तो गाइस फाइनली इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री गेम में न्यू हाउस ऐड हो चुका है एंड भाई देख सकते हो अंदर से कैसा व्यू देखने को मिल रहा है अपने न्यू हाउस का। एंड भाई इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग जो है इसको कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि गाइस इसका अपडेट आ चुका है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, कहां पर जाना है आप लोगों को, गूगल पर क्या सर्च करना है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और भाई इसमें बहुत सारे आप लोगों को न्यू चीट कोड पता चल जाएंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए। इसमें जो है न्यू हाउस फाइनली ऐड हो चुका है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कहां पर ऐड हुआ है, और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो अपना न्यू हाउस है वो कैसा है। गाइस आप लोग देख सकते हो जो अपना हाउस है कुछ ऐसा है भाई, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है अपना ये वाला हाउस। और भाई आप लोग इसको भी देख सकते हो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, एंड स्विमिंग पूल में जो है अपना कैरेक्टर ये तैर भी सकता है, मतलब स्विमिंग भी कर सकता है। कैसे अभी मैं आप लोग को यहाँ पर ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखो इस कैरेक्टर को मैं घेर देता हूँ स्विमिंग पूल में, एंड भाई देख सकते हो जो अपना कैरेक्टर है कैसे स्विमिंग कर रहा है। एंड भाई देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस बार का अपडेट। गाइस जैसा कि मैंने बोला था मैं आप लोगों के लिए ये भी ऐड करवाऊंगा, ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर स्विमिंग करेगा स्विमिंग पूल के, तो मैंने देखो आप लोगों के लिए ऐड करवा दिया है। तो तभी तो बोलता हूँ ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो आप लोग बोलोगे मैं वो करवाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए और क्या ऐड करूं मैं आप लोगों के लिए। मैंने स्विमिंग तो आप लोगों के लिए ऐड करवा दी है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और क्या आप लोग ऐड करवाना चाहते हो, मैं आप लोगों के लिए वो भी ऐड करवा दूंगा। एंड भाई देख सकते हो कितना बढ़िया है अपना स्विमिंग पूल, एंड मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है स्विमिंग करने में। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो, ताकि ये आप लोगों के गेम में भी ऐड हो जाए स्विमिंग पूल और न्यू हाउस। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ और क्या आने वाला है इसके न्यू अपडेट में। गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ न्यू हाउस कहाँ पर ऐड हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी व्हीकल लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर थार ले ली है। अब आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को जाना है एयरपोर्ट पर। ये देखो यहाँ पर एयरपोर्ट पर मैं आ चुका हूँ, एंड भाई आप लोगों को इसी वाली रोड पर आना है। एंड भाई यहीं पर एयरपोर्ट का जो मेन डोर है जहाँ पर लिखा है नागपुर एयरपोर्ट, जस्ट इसके सामने ही यहाँ पर आप लोगों को न्यू हाउस देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर जो रैंप है स्टंट कराने का ये भी दिख रहा है। देखो एग्जैक्ट बिल्कुल यहीं पर न्यू हाउस ऐड किया है इस गेम के डेवलपर ने। एंड भाई यहाँ पर अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर दोनों हाउस रहने चाहिए क्या, जो अपना ओल्ड वाला हाउस है वो भी रहना चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर गाइस न्यू हाउस देखने को मिलने वाला है जो कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग इस गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो। लेकिन पहले गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीट कोड भी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है ये अपना लास्ट पार्ट होने वाला है ऑल चीट कोड के ऊपर। तो गाइस जो फर्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस रॉयल इनफील्ड बुलेट का, जो है अपना 9999। ये देखो यहाँ पर बुलेट स्पॉन हो चुकी है अपनी। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस ATV बाइक का, जो होने वाला है अपना 2222। ये देखो ATV बाइक भी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस न्यू KTM का, जो होने वाला है अपना 1190। ये देखो अपनी न्यू KTM भी स्पॉन हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर अपनी ड्यूक भी स्पॉन हो चुकी है, वो होने वाला है गाइस KTM का, जो है अपना 1210। ये देखो यहाँ पर अपनी KTM भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो पल्सर का होने वाला है, जो अपना ओल्ड वर्जन है पल्सर का, जो है अपना 1211। ये देखो अपनी पल्सर भी यहाँ पर स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस जंप का। जी हाँ गाइस, अभी देखो इस करेक्टर में जंप कराता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग ये वाला चीट डायल कर लेते हो 1215, जिसका जो करेक्टर जंप करता है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर 2x हो चुका है। ये देखो यहाँ पर मैंने जंप करा इस करेक्टर को, भाई देख सकते हो खतरनाक जंप क्या है। लेकिन हमें गाइस इसमें भी मजा नहीं आया क्योंकि अपने लेवल का नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा इससे भी तगड़ा जंप, उसके लिए आप लोग क्या करना है। सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर इन्फिनिटी हेल्थ का जो है चीट एक्टिवेटेड कर लेना है, जो है अपना 9129। यहाँ पर इन्फिनिटी हेल्थ का चीट एक्टिवेटेड हो, ताकि इस कैरेक्टर की हेल्थ जो है डिक्रीज ना हो। अब आप लोग क्या करना है यहाँ पर 1216 डायल करना है, एक बार और डायल करना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये पता नहीं क्यों डीएक्टिवेट हो जाता है। या देखो यहाँ पर एक बार और मैंने डायल कर लिया है। अब क्या करना है इस कैरेक्टर को जंप कराना है। देखो इस कैरेक्टर में यहाँ पर जंप कराता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पर क्या खतरनाक जंप किया है इस करेक्टर ने भाई। लास्ट वाला जो जंप था वो भी कुछ नहीं था इसके सामने, उसके डबल से भी ज़्यादा जंप किया है इसने। तो भाई कैसा लगा आप लोग ये जंप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये था गाइस अपना अल्ट्रा सुपर जंप। और गाइस अब मैं आप लोगों को दिखा
और गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्काईफॉल का चीट कोड। गाइस स्काईफॉल से जो है अपना करेक्टर उड़ जाता है, जी हाँ गाइस सच में फ्लाई करने लगता है। ये देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ स्काईफॉल का चीट कोड जो है अपना 1120 एंड देखो ये करेक्टर जो है अपना फ्लाई करेगा। ये देखो गाइस क्या खतरनाक यहाँ पर करेक्टर जो है अपना उड़ के आ रहा है नीचे एंड भाई देख सकते हो कुछ खतरनाक यहाँ पर सीन हो चुका है। लेकिन गाइस ये जो करेक्टर इसकी जो यहाँ पर डेथ नहीं होने वाली है, मैंने गाइस पहले से ही इन्फिनिटी हेल्थ का जो है चीट एक्टिवेटेड कर रखा है। तो गाइस बढ़िया था ना आपने इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड एंड स्काईफॉल का। तो गाइस अब नेक्स्ट अपना चीट कोड होने वाला है, वो होने वाला है गाइस मून ग्रेविटी का। गाइस उससे क्या होता है पहले मैं आप लोगों को चीट कोड बताता हूं फिर बताऊंगा उसके बारे में। गाइस देखो यहां पर मैंने चीट एक्टिवेट कर लिया है अपना जो है अपना 7112। अब जो है गाइस अपनी बाइक यहां पर फ्लाई होने लगेगी, यकीन नहीं आ रहा आप लोगों को। अभी देखो यहां पर मैं आप इस बाइक को फ्लाई करके दिखाता हूं, ये है अपनी पल्सर एंड देखना ये बन जाएगी यहां पर फ्लाइंग बाइक, ये जो है उड़ने लगेगी। देखो गाइस अभी आप लोगों को यहां पर पता चल जाएगा। ये देखो गाइस कैसे अपनी जो बाइक है वो यहाँ पर फ्लाई हो रही है एंड गाइस बन चुकी है अपनी फ्लाइंग बाइक, है ना गाइस बढ़िया ट्रिक। देखो यहाँ पर सच में जो अपनी बाइक है वो यहाँ पर फ्लाइंग बाइक बन चुकी है। तो आप लोग भी गाइस नॉर्मल बाइक से अपनी बाइक को फ्लाइंग बाइक बना सकते हो मून ग्रेविटी के चीट कोड से। तो मून ग्रेविटी का चीट कोड क्या है गाइस, वो है अपना 7112 और भाई आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो आई होप ये चीट कोड भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है गाइस स्लो मोशन का। जी हाँ गाइस यहाँ पर स्लो मोशन का आप लोगों को ऑप्शन तो देखने को मिलता है लेकिन गाइस इसमें जो है चीट कोड भी ऐड है स्लो मोशन का, यकीन नहीं आ रहा है मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो करेक्टर है अपना कुछ ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपना स्लो मोशन का चीट कोड डायल कर लेते हो जो अपना 1112 तो यहाँ पर जो करेक्टर है और भी ज़्यादा स्लो चलेगा। देखो यहाँ पर चीट एक्टिवेटेड हो चुका है स्लो मोशन लेवल 1 का, यहाँ पर आप लोग लेवल अप कर सकते हो अपने स्लो मोशन के। ये देखो अभी तो अपना करेक्टर इतना कुछ भाग रहा है, अगर आप लोग इसको दोबारा डायल करोगे 1112 तो देखो यहाँ पर करेक्टर की जो है अपनी स्पीड है और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ये देखो इस बार ये जो अपना करेक्टर कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रहा है एंड जंप देख सकते हो कितने धीरे से किया है इसने। तो आप लोग जो है गाइस स्लो मोशन के ऐसे लेवल अप भी कर सकते हो इस गेम में, तो है ना गाइस बढ़िया चीट कोड। तो गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस मॉन्स्टर ट्रक का। कौन सा मॉन्स्टर ट्रक होने वाला है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस अब जो अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस फॉर्च्यूनर का, जो होने वाला है अपना 01000। यहाँ पर देखो ये अपना फॉर्च्यूनर वाला मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन हो गया लेकिन पता नहीं कहाँ पर गायब हो चुका है एंड भाई देख सकते हो खतरनाक जंप किया है इसने, ये तो उस थार से भी ज़्यादा तगड़ा जंप करता है। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो अगेन मॉन्स्टर ट्रक का होने वाला है, लेकिन ये होने वाला है लैम्बोर्गिनी मॉन्स्टर ट्रक। ये देखो इसका चीट कोड अपना 0700। ये देखो ये भी खतरनाक इसने भी जंप किया है एंड भाई फॉर्च्यूनर वाला जो मॉन्स्टर ट्रक था वो तो अभी तक नीचे नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ पर उड़ के चला गया है एंड देखो यहाँ पर अपना लैम्बोर्गिनी वाला मॉन्स्टर ट्रक भी नहीं आया है। तो और मॉन्स्टर ट्रक के मैं आप लोगों को चीट कोड नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इसलिए क्योंकि गाइस ये जो है अब अच्छे से स्पॉन नहीं हो रहे हैं, ये जो है जंप कर रहे हैं, तो इसलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड नहीं बताऊंगा। तो चलो गाइस सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो होने वाला है अपना मोर ट्रैफिक कार का। जी हाँ गाइस अभी आप लोग रोड पर ये ट्रैफिक देख सकते हो, बहुत कम ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप लोग इसके ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को चीट कोड डायल करना है 54321। ये देखो यहाँ पर मैं डायल करता हूँ 54321 एंड देखो यहाँ पर मोर ट्रैफिक आ जाएंगे रोड पर, जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। देखो बहुत सारे ट्रैफिक आने वाले हैं अब रोड पर। ये देखो गाइस वहाँ पर अपनी दो कार है एंड यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर अपनी एक कार ही आ रही है, वो तो जरा मैंने मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेट कर रखा है जिस वजह से ये कार जो है व्हीलिंग मार रही है, वरना यहाँ पर बहुत सारी कार्स आ जाती, तो है ना गाइस बढ़िया ट्रिक। और गाइस अब जो नेक्स्ट नंबर पर अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस मोर एनपीसी का। अभी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन व्हीकल को ही इंक्रीज कराया है, अभी देखो यहाँ पर ये जो घूम रहे हैं करेक्टर्स इनको भी यहाँ पर आप लोग बढ़ा सकते हो। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर चीट कोड डायल करना है 12345 एंड देखो यहाँ पर मोर एनपीसीज आ जाएंगे। ये देखो बहुत सारे एनपीसी यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर रोड पर कितने सारे एनपीसी आ चुके हैं। देखो ये रहा है अपना एनपीसी एंड बहुत सारे एनपीसी आ जाते हैं अगर आप लोग ये चीट डायल करते हो तो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोग गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो एंड गेम का जो न्यू अपडेट है कौन से डेट को आने वाला है, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो गाइज सीन कुछ ऐसा है, अभी जो है अपने गेम का न्यू अपडेट नहीं आया है। जी हाँ गाइज अपने गेम का भी न्यू अपडेट नहीं आया है क्योंकि अभी गेम के अपडेट को आए हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जी हाँ गाइज अभी ऑलमोस्ट 10-15 डेज हुए हैं अपने गेम का न्यू अपडेट आए हुए। अभी जो है गाइज इस गेम के ऊपर वर्क चलने वाला है वो इसलिए क्योंकि गाइज अभी सिर्फ इसमें न्यू हाउस ही ऐड हुआ है, बाकी अभी कुछ ऐड नहीं हुआ है। अभी जो है गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होने वाली है, जैसे यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू कार ऐड होने वाली है, न्यू बाइक ऐड होने वाली है एंड बहुत सारे न्यू व्हीकल ऐड होने वाले हैं। कौन से व्हीकल ऐड होने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, अभी जो है कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि आप लोगों ने अभी मुझे कॉमेंट करके कुछ नहीं बताया है। आप लोग जो मुझे कॉमेंट करके बताओगे मैं वही आप लोगों के लिए ऐड करवाऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो में जाइए, यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जो आप लोग इसमें ऐड करवाना चाहते हो।
मतलब जो व्हीकल ऐड करवाना चाहते हो उसको कमेंट कर दीजिए, वही मैं आप लोगों के लिए ऐड करवा दूंगा। तो भाई सब कुछ आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या ऐड करवाना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे, समझ गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो अपडेट है कब तक देखने को मिलने वाला है। फिर गाइज इसका जो अपडेट है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गाइज नेक्स्ट मंथ। जी हाँ गाइज नेक्स्ट मंथ आप लोगों को इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड तक। जी हाँ नेक्स्ट मंथ के एंड तक आप लोगों को इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। यह मंथ जो है बस जाने वाला है कुछ ही दिनों में, 3 से 4 दिन में यह मंथ खत्म हो जाएगा। एंड गाइज जो अपना नेक्स्ट मंथ आने वाला है ना दिसंबर का, उसमें आप लोगों को इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड उसके एंड तक ही देखने को मिलेगा आप लोगों को, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि अभी जो है इसके ऊपर वर्क चलने वाला है खतरनाक, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें हाउस ही ऐड हुआ है एंड हाउस किस जगह पर ऐड हुआ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज आई होप आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे और गाइज मैंने आप लोगों को ये बता दिया, आप लोग जो इसमें ऐड करवाना चाहते हो वो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो गाइज जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैं आप लोगों के लिए क्या ऐड करवाऊँ इसमें, तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों के लिए वही ऐड करवा दूंगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों साथ शेयर कर देना और गाइज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।